Session. Good morning, friends. This is Deepak Chauhan. दोस्तों आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताता हूँ मैं और नया टॉपिक नई जगह पर हम लोग चालू करते हैं दोस्तों हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें अधिकतर डाउट होता है और हम लोग सेंटेंस बनाने में जो मिस्टेक्स करते हैं उस बारे में हमें समझना है। तो दोस्तों चालू करते हैं। सेंटेंस बनाते समय अधिकतर क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। जैसे हमें कहना है कि वह कहाँ रहता है, तो हम लोग कहेंगे वेयर डज ही लिव। तो क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। अब क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, हुम, हुस, ये सारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। अब हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है टेंस के अनुसार। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट यानी जो काम करता है। उसके बाद वर्ब आएगा। अब हमें कहना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया कहाँ, और टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हम लोग इसे बनाएंगे वेयर आर यू गोइंग, न कि वेयर यू आर गोइंग। वेयर यू आर गोइंग ये स्पोकन में चल जाता है, बट ग्रामेटिकली वेयर आर यू गोइंग राइट होता है। हमें कहना है कि वह कब आएगी, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कब। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, फिर सब्जेक्ट आएगा शी, फिर आएगा वर्ब कम। तो वह कब आएगी, व्हेन विल शी कम। हमें कहना है वह क्या कर रहा था, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो गया क्या, व्हाट, व्हाट वाज ही डूइंग। तो दोस्तों जो भी टेंस होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और उस टेंस के अनुसार हमको वर्ब में आईएनजी या थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म करना होगा। हमें कहना है आप कैसे पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे हाउ आर यू टीचिंग। हमें कहना है कि आप कैसे पढ़ाएंगे, तो हम बोलेंगे हाउ विल यू टीच। आप कैसे पढ़ा सकते हैं, हाउ कैन यू टीच। आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, हाउ शुड यू टीच। आप कैसे पढ़ा चुके हैं, हाउ हैव यू टॉट। आप कैसे पढ़ा चुके थे, हाउ हैड यू टॉट। आप कैसे पढ़ा सकते थे, How could you teach? तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। तो ये क्वेश्चन वर्ड में आप अधिकतर गलती करते हैं, तो इसको आपको समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाने के लिए आपको कैसे बनाना है। क्योंकि हम लोग जब भी किसी से बात करेंगे तो हमको बात करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन ही करना होता है, और क्वेश्चन करने के लिए हमें क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। तो ये तो WH क्वेश्चन थे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक होता है हम लोग शुरू में क्या कहते हैं, जैसे हमें कहना है क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी। क्या वह पढ़ेगा, विल ही रीड। क्या मुझे पढ़ना चाहिए, Should I read? क्या तुम पढ़ सकते हो, Can you read? क्या वह पढ़ रहा था, Was he reading? क्या वह पढ़ चुका है, Has he read? क्या वह पढ़ चुका था, Had he read? क्या हमें पढ़ाना चाहिए, Should we teach? क्या वह शिक्षक होगा, Will he be a teacher? क्या वह शिक्षक हो सकता है, Can he be a teacher? क्या हमें खुश होना चाहिए, Should we be happy? तो इस प्रकार के आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करना है। हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर जो भी वर्ब है उसका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको
पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने मिला होगा। बस प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस लाउडली करें, ज़ोर से करें, ताकि आप अपने सेंटेंस को जस्टिफाई कर सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार के हम लोग प्रयोग करते रहेंगे, तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कोशिश और एक नए प्रयास के साथ और एक नए प्रयोग के साथ। थैंक यू वेरी मच। मैं दीपक चौहान आपसे विदा लेता हूँ, बहुत जल्द मिलूँगा एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।